हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम लाए हैं बहुत ही खतरनाक कंपैरिजन। पहले बता दूं कि हमारे पास कावासाकी की जेम है, विच इज़ कॉल्ड ZX25R, वेरी रेयर, वेरी रॉ। मतलब हाँ, रॉ तो डेफिनेटली है, इतना ज़्यादा आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का इंटरफेरेंस फील नहीं होगा। एंड ऑन दिस साइड, ऑन माई राइट इज़ द स्कैल्पल, मतलब KTM ड्यूक 390, इससे शार्प मोटरसाइकिल और इससे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस वाली मोटरसाइकिल इस सेगमेंट में शायद ही आपको कोई मिले, स्पेशली अगर हम नेकेड की बात करते हैं। तो ये सबसे नई जनरेशन वाली ड्यूक 390 है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो इस बार KTM ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस वाले में आपको क्विक शिफ्टर एंड ऑल मिल जाता है, ट्रैक्शन कंट्रोल मिल जाता है, ऑल्दो क्विक शिफ्टर का मुझे पता नहीं कैसे क्या सिस्टम है क्योंकि अभी चल नहीं रहा था। और साथ ही साथ इसमें आपको ABS मिल जाता है, डुअल चैनल, और दो राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, लो और हाई पावर। तो ड्यूक की अगर बात करें तो इसमें आपको राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, साथ ही साथ एक ज़बरदस्त सा डिस्प्ले मिल जाता है। भाई डिस्प्ले की क्वालिटी देखो भाई, क्या एनिमेशन आते हैं। और बाकी लॉन्च कंट्रोल भाई और ट्रैक्शन कंट्रोल, सब कुछ जितने कंट्रोल होते हैं वो सारे इसमें KTM ने दे दिए हैं। बाकी WP के एडजस्टेबल सस्पेंशन मिलते हैं, एडजस्टेबिलिटी 800,000 में नहीं मिलती है भाई, इधर आपको एडजस्टेबिलिटी भी मिल रही है प्रॉपर। क्या क्वालिटी है, क्या कंट्रोल है भाई। बाकी लैप टाइमर मिल जाता है, उसके अलावा अगर राइडिंग मोड्स की बात करें तो काफ़ी सारे राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, सारी चीज़ें आप वो कर सकते हो। और क्या एनिमेशन है, ज़बरदस्त एनिमेशन आते हैं भाई इस पर। अगर हम राइड मोड में जाते हैं तो देखो, ट्रैक पे ट्रैक दिखाएगा, रेन पे वेट दिखाएगा, स्ट्रीट पे रोड दिखाता है नॉर्मल। तो इसके तो क्या ही बोले, ज़बरदस्त बाइक है, एकदम नेक्स्ट लेवल पे है, ऑलरेडी है स्टार्टिंग से ड्यूक। और इसमें आपको USDs मिलते हैं, इसमें भी आपको USDs मिल जाते हैं, बट इसमें आपको WP के USDs मिलते हैं। और KTM इतना सीरियस है कि उन्होंने अपनी आधी डिस्क ही चॉप कर दी वेट रिडक्शन के लिए। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पावर फिगर्स बता देते हैं। तो ड्यूक प्रोड्यूस करती है 44 BHP की पावर, ये प्रोड्यूस करती है 50 से 51 BHP की पावर समथिंग। और अगर टॉर्क की बात करें तो ऑलमोस्ट ड्यूक में डबल टॉर्क मिलता है। ड्यूक में आपको मिलता है 39 Nm का टॉर्क, इसमें आपको 22 Nm का टॉर्क मिलता है। बट ये एक सिलेंडर है, इसमें 4 सिलेंडर है, सोच रहे हो। तो KTM का एक सिलेंडर कितना बड़ा होगा साइज में, ये सोच लो। और कावासाकी के जो पिस्टन है वो इतने से होंगे लिटरली। मतलब स्टार्ट करते हैं इस परफॉर्मेंस टेस्ट को, आप लोग कुछ भी ट्राई मत करना, वी आर राइट ऑन द सेफेस्ट रोड अवेलेबल। तो चलो भाई आ जाओ, लो ड्यूक लॉन्च करूंगा मैं पहले। मैं चाहता हूँ कि एक्सेलरेशन फील हो मुझे, उसके बाद फिर तुम निकल जाओगे। अबे भाई क्या ब्रेक्स है ड्यूक की भाई, क्या जबरदस्त ब्रेक्स है भाई। बट यार इसका जो गियरिंग है वो शॉर्ट है, उसकी गियरिंग बहुत टॉल है तो इसलिए वो बगल में टिक गई थी यार। क्विक शिफ्टर बढ़िया चल रहा है, बट मैंने KTM के क्विक शिफ्टर पे इतना भरोसा नहीं किया, अब की दूसरी बार करते हैं, इस बार भरोसा कर लेते हैं। चलो टेक टू भाई, एक्स्ट्रा टॉर्क का फायदा दिखा नहीं मुझे ज्यादा, बहुत आगे जाओगे बट भाई एक्स्ट्रा टॉर्क का फायदा दिखा नहीं मेरे को। चलो हाँ चलो, ओ आपकी किया ड्यूक ने सही काम, आप दिखा, अब फायदा दिखा, एक्स्ट्रा टॉर्क अब दिख रहा है। ओह माय गॉड, ओह भाई अब आया टॉर्क का फायदा। ओह भाई निकल गई, ओह भाई निकल गई, इस बार नहीं करना, काम नहीं करा। भाई साहब एग्जॉस्ट हीट पैड में पता चल रही है, सिक्स्थ गियर में निकली है, सिक्स्थ गियर में, और बहुत आगे भी नहीं गई।
क्या ब्रेक्स है भाई KTM की, टैप करते ही क्या कॉन्फिडेंस दे रही है। ये वाली ड्यूक ले लूं क्या अब मैं? इस बार देखा, इस बार फिर से करें क्या? फिर से करना है? आ जाओ, अब तो हाथ सेट हो गए ड्यूक पे। और ये मैं आ रहा हूं, निकलने नहीं दूंगा सिक्स गियर से पहले, कुछ भी हो जाए। आ जाओ, एक सौ सत्तर के बाद निकल रही है। बनाया है KTM ने यार, देखते कितना जाएगी। 187 लिमिटर, लिमिटर आ गया, 180 पर लिमिटर आ रहा है भाई। ये KTM का इंजीनियरिंग है मैन, अलग लेवल पे है KTM भी भाई, अलग लेवल पे। क्या बाइक्स बनाता है भाई, सिंगल सिलेंडर में सिक्स गियर टॉप स्पीड के बाद निकल रही है, 8 लाख लगा के मतलब ही नहीं है यार फिर तो। हाँ, बाइक एक्सचेंज है, लिमिटर कितने पे आया? 187, मैंने कहा था 190 के ऊपर नहीं जाएगी, एकदम सही गेस था। आओ एक्सचेंज करते हैं, अब देखते हैं भाई क्या बनाती है KTM भाई बाइक्स। क्विक शिफ्टर मक्खन चल रहा है, थोड़ा सा ना जिसको बेचते हो तो देख के बेचे, तो KTM वालों को बेस्ट ब्रांड बेस्ट है भाई, कोई डर्ट रेस नहीं हारता। वही भाई, लोगों ने इमेज खराब कर दिया लेकिन क्या बाइक्स है भाई। खैर KTM तो चैंपियन है भाई डर्ट का, बाहर तो मोटोक्रॉस बाइक्स हुस्क्वर्ना, KTM यही सब आती है। तुम दो तीन ऑन, तुम परफेक्ट शिप, 18,000 आरपीएम, बाय बाय। नहीं आगे नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं आगे, अभी तो बिल्कुल भी नहीं, अभी नहीं, थक गई। इनिशियल में इसकी सीट छोटी पड़ गई यार, टॉप स्पीड। तो ये आपने देखा कंपैरिजन 25R का वर्सेस ड्यूक 390। और एक चीज तो मैं डेफिनेटली कहना चाहूंगा, जितने बार आप ड्यूक को चला लो उतने बार आपको प्यार हो जाता है। इसके बाद ये चलाई, हाँ तो लॉन्च तुरंत हो नहीं पाया ना, नहीं तुरंत लॉन्च, हाँ मुझे भी सेट होने में थोड़ा टाइम लगा, उसके बाद तो ड्यूक फाड़ दे रही है। थोड़ा सा मैं कहूंगा सीट थोड़ी सी छोटी है, हाँ वो वैसे एडजस्ट नहीं हो पाया, दूसरा अचानक से उसने पावर डिलीवरी बहुत ज्यादा, हाँ वही तो, इसको जब चलाते रहो एकदम से उस पे हो तो बहुत तेज पावर डिलीवरी रहती है, तो हाथ उसके लिए मतलब बॉडी रेडी नहीं है। हाँ तो चलो, खैर ये था वीडियो, आपने देखा, मैं तो कहूँगा डेफिनेटली दोनों ही गाड़ियाँ विनर मानूंगा इस वाले कॉम्पिटिशन में, बिकॉज ड्यूक की टॉप स्पीड आने के बाद ही 25R निकल पा रही है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, इंस्टाग्राम हैंडल डिस्प्ले हो रहा है, फॉलो नहीं किया फॉलो कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सी यू सून नेक्स्ट व्लॉग, राइड आउट, राइड सेफ, स्टे सेफ, एंजॉय गाइस। एंड अब एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि इज दिस अ रियल मार्वल या फिर हाइप है बस। इसकी ब्लीडिंग हुई थी कल, अब ब्रेक ठीक हो रही है धीरे धीरे भाई, लेकिन KTM की ब्रेक देखी तुमने, छूते ही चिपक रही है भाई। बाकी और भी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं, कर्व रेडिएटर एंड ऑल सारी चीज़ें, तो जितने भी टॉप नॉच इक्विपमेंट्स हैं वो सब इसमें मिलने वाले हैं आप।